last morning here in Namsai, so we are leaving today from here. So आज हम लोग जाएंगे ईटानगर, फिर ईटानगर में हमारा होल्ड होगा वन नाइट का, उसके बाद नेक्स्ट डे को हम लोग निकल जाएंगे दिरांग के लिए. सो वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट एंड अभी सब लोग नहीं आया है नीचे, तो सब लोग पहुंचने के बाद हम लोग निकल जाएंगे और थोड़ा सा फोटो सेशन करेंगे हम लोग इस होम स्टे के ऑनर के साथ. सो यस, वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर इन नामसाई. देख ज्यादा हो गया तो देखो इधर एक बार सब कैसे खुशी है कि आप लोग घर जा रहे हो वापस. ऐसे मतलब जारी मंत्री अग्नि होता दुखेगी आप बहुत खुश है ना. क्या ठीक है, तुम बहुत दुखेंगे. कुछ नहीं है, देखो सुबह छह कल रात की नमस्कार 2 बजे सुबह 4 बजे को उठा देंगे. देखो अभी आ रहे हैं. तो ये किसका गलती है, हम लोग गलती नहीं, आपका गलती है, आप जल्दी सोना चाहिए था. ये वो प्रोग्राम करने वाला गलती है ना, ज्यादा प्रंजल की गलती है, ज्यादा अच्छा गलती है. अच्छा अभी हम लोग सर का होटल में आया है एंड सर को पिकअप करके हम लोग निकल जाएगा. अभी हम लोग ये गाड़ी में है, पिंचिन लाड्रोन पुपर रोमा हम लोग तीन. बहुत खुश है घर जा रहे बिल्कुल. बहुत गर्मी था, नहीं तो नाम से बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन इतना गर्मी, एक्स्ट्रा गर्मी है यहाँ पे, तो गर्मी जो मतलब बर्दाश्त नहीं होते. और इतना हमारा क्या तो रूम में एसी का प्रॉब्लम बहुत हुआ है, पता है पावर कट होके ये स्विच ओवर के क्या क्या होके, तो बहुत तकलीफ हो रात को भी गर्मी की वजह से. तो अभी सर आएगा, उसके सर आने के बाद हम लोग निकल जाएगा. हम लोग एक ट्रेवलर निकल गया है, तो ये गाड़ी छोटा गाड़ी में हम लोग तीन और सर और ड्राइवर हम लोग 5 है. तो आगे निकल गया ट्रेवलर जो हम लोग पीछे निकल जाएगा. एंड हम लोग जा रहे बल्कि नामसाई भी इतना रो रहे, इतना रो रहे, सोच रहे कि बेच जाऊँ आज भी. मेरा भी YouTube चैनल है. ये आया मिस्टर तेंजिन ने बदला लेने के लिए. चलो यार प्रमोट करो, बताओ तेंजिन #29 यो. ओके, सब्सक्राइब टू हिज चैनल. निकल से कोई बात नहीं है, कर दो ना तू. 1K होने वाला है. ओके, 1K होने वाला है, तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए इनका चैनल को, 1K करा दीजिए जितना जल्दी हो सकते है. इसको भी खुशी होगा और ये भी आप लोगों को खुशी कराएगा अच्छा अच्छा कंटेंट देख. 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है और 999 सब्सक्राइबर आने से मजा किया. ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी होने वाला है. ओके, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज. हो गया ना, जाओ अभी घूमो नाम याद है कि नहीं. ओके, सो वी आर हियर इन लागुन चांगचोप चोलिंग मोनेस्ट्री. तो यस, ये है तेजू में, तेजू मोनेस्ट्री. तो यहाँ पे हम लोग रिमचे को जेसी करने आया है. अभी हम लोग नामसाई से निकल गया है, तो हम अभी ईटानगर के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए मौका भी है, तो सर ने भी हम लोगों को लेके आया है यहाँ पे रिमचे को दर्शन के लिए, रिमचे को जेसी करने के लिए. सो यस, अभी हम लोग यहाँ पे है, तो सर अभी ऊपर गया है मीन्स काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए सर रिमचे के साथ. सो अभी हम लोग सब यहाँ पे है. और बहुत बारिश हो रही है, लेकिन भी हम गोनपा में पहुंचे हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा गोनपा दिखा देगा सुंदर से.
वाओ, फीलिंग सो ब्लेस्ड, हम लोगों को दर्शन मिल गया रिंचे का, इतना अच्छे से फोटो भी लिया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही चाचन रिंचे लगा है, दर्शन मिल के बहुत ही ब्लेस फील कर, बहुत सौभाग्य फील करे कि ये मौका हम लोगों को मिला। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुका, होल किया, सुबह ब्रेकफास्ट करके आया था, सर नहीं किया तो, लेकिन सर के साथ हम वापस दोबारा ब्रेकफास्ट करेंगे। फाइनली वी हैव रीच्ड हियर, वी आर इन गोनपा रेस्टोरेंट, गोनपा के नीचे है हम लोग, वहाँ के जो वहाँ पे जो होटल है वहाँ पे ठहरे हुए हैं हम लोग। देने हम लोग सब नहीं पहुँचे अभी, हम लोग जो सूट में था, छोटा गाड़ी में था, हम लोग तीन गर्ल्स सर के साथ हम लोग से पहुँचा अभी तक, तो वो ट्रेवलर वाला पीछे है, वो अभी तक नहीं पहुँचा, वो लोग पहुँच जाएगा थोड़ा समय में। एंड अभी हम लोग अपना रूम में आ चुके हैं, तो हम लोग डिनर सब साथ में करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं पूरा एक ही साथ। तो यस, अभी डिनर का प्रिपरेशन हो चुका है, तो वो आने के बाद हम लोग साथ में डिनर करेंगे। यहाँ विंडो है, रूम बहुत अच्छा है, विंडो से थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ, पता नहीं दिखाई देगा ना नहीं देगा अच्छे से। ये है ईटानगर का नाइट व्यू, गोनपा से, गोनपा से ही बोलेगा, गोनपा का जस्ट नीचे में ही है ये होटल। तो ये होटल मैं पहले भी आ चुका है, होटल इस होटल रूम में नहीं आया, बट रेस्टोरेंट में आया था मेरे बहन के साथ। तो मेरा ईटानगर डायरीज अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि हमने ये होटल विजिट किया था पहले रेस्टोरेंट में। अच्छा है ये होटल ना, रूम भी बहुत अच्छा है, बहुत कोजी है, कम्फर्टेबल। और यहाँ पे ठंड, मतलब गर्मी इतना नहीं है अभी की वजह से, शायद बारिश, शायद नहीं बारिश गिरा है दिन को, इसे पूरा भीगा भी है और ठंडा है, हवा भी ठंडा ठंडा चल रहा है, बट नमसाई में इतना गर्म था, इतना गर्म था। तो यह अभी हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, मस्त मस्त। ओके, सो कब से बाल नहीं धोया था, इतना खुजली हो रहा था, पूरा आते ही हमने फटाफट धो दिया, बहुत ही फ्रेश लग रहा, बट बॉडी नींद आया कि मुझे कपड़ा पूरा ट्रेवलर में है, और ट्रेवलर अभी तक नहीं पहुंचा, वो लोग जस्ट अभी नाहरलगन से क्रॉस किया, नाहरलगन क्रॉस किया है, तो वो लोग 15-20 मिनट्स में पहुंच गए इधर। तो यस, बाल धोने के बाद भी इतना मीन्स हल्का सा महसूस हो रहा है, फ्रेश फ्रेश, लुकिंग ब्यूटीफुल। ये देखो मेरा रूम, तो वो लोग पहुंच गया है, वो लोग ट्रेवलर उधर है, वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे कहाँ है, तेंजिन नाम की। अभी हम थोड़ा सा बाहर निकल गए इन लोगों को रिसीव करने के लिए, अभी थोड़ा सा ये लोगों को ये रास्ता, ये गेट से आना है, ये रास्ता थोड़ा सा आके यहाँ पहुँचेगा। एंड ये है जो होटल हम लोग ठहरा है, एंड ऊपर है गोनपा, होटल का नाम दिखाती हूँ, ईदगाह छुएजिन रेस्टोरेंट। डिनर टाइम, सो नाउ वी आर डन विद आवर डिनर, एंड हम लोग थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, साथ में बातचीत किया, चिट चैट किया। सो अभी हम लोग सब अपने अपने रूम में आ गया, एंड हम और फुरपा जम्बा हम दोनों साथ में सो रहे, तो फुरपा जम्बा यहाँ है। गुड नाइट फुरपा जम्बा, गुड नाइट, मेरा सब्सक्राइबर लोगों को गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट। ओके, सो हम दोनों साथ में हो और बाकी लोग फिर साथ साथ में है ऐसे करके, तो यस अभी के लिए गुड नाइट, फिर कल सुबह निकलेंगे हम लोग, अगर समय होगा तो हम लोग थोड़ा ऊपर गोनपा दर्शन के लिए जाएगा कोरा के लिए, तो उसके बाद हम लोग 7:30 ऐसे में निकल जाएंगे यहाँ से अपने ट्रेवलर में। तो यस, गुड नाइट फॉर नाउ।
गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो वी केम हियर इन गोनपा. तो बारिश बहुत हो रही है लेकिन भी कल से प्लानिंग किया था गोनपा आने का. एंड गोनपा का इतना पास पूछ के गोनपा का दर्शन नहीं लेने से भी दिल अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए हम गोनपा का दर्शन के लिए आ गए. अभी हम लोग तीन से आया है तो पीछे आ रहे हैं वो लोग बाकी एक एक करके. लाखपा फोपा जम्बा हम लोग तीन आ गए यहाँ पे. अब गोनपा में है. वाओ सो पीसफुल. हाँ लकीली वहाँ पे एक लामा भी था तो खादन कर रहा था. एंड उन्होंने हम लोगों को बहुत ही ज्ञान दिया अच्छे से. बहुत अच्छा लगा. तो 10-15 मिनट्स तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया. बहुत अच्छा 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 बात बताया और गोनपा भी अच्छे से दर्शन कर लिया. एंड वही अभी बहुत होल डे जर्नी है हमारा, तो इसलिए उससे पहले गोनपा को विजिट करना इज अ ब्लेसिंग. तो अभी सबसे पूछते हैं कैसा लगा ना. चलो केजा. हाँ कैसा अच्छा लगा गोनपा के? बहुत अच्छा लगा. तो यहाँ में एक हम लोग जैन एक मिला तो उसने बहुत अच्छा अच्छा बात बोला. तो लाइफ में अच्छे से बैठो बोला, पाप मत करो बोला, अच्छे से बैठो, दूसरा को नुकसान मत करो बोला, वही बताया. तो अच्छा लगा. यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा गोनपा में आके. गेला ने इतना बात बोला, इतना समझाया, बहुत अच्छा हो गया. और बहुत गोनपा में आके बहुत अच्छा हो गया था. थैंक यू. थैंक यू. अच्छा लगा गोनपा के? अच्छा लगा गोनपा में आके. हाँ बहुत अच्छा लगा ना. रिंचिन लाडून बहुत अच्छा लगा गोनपा में आके. थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग से और आ रहे अच्छा लग रहा है अभी. थैंक यू. पूर्वद्रोमा बहुत अच्छा लगा गोनपा में आके. बहुत दिल को सुकून मिला. बहुत अच्छा था. थैंक यू एवरीबॉडी. चल दिया अभी. हम तो एक दूसरे मरते हैं. ओके सो अभी हम लोग रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए. अभी हम लोग नाम रहे यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लेगा. सो हम लोग निकल चुके हैं अपना लंच करके. बालूपुर में हम लोग लंच किया. तभी हम लोग टीपी क्रॉस हो गया सेसा पोर्स. सो यस वी आर ऑन द वे. तो आज बहुत लेट हो गया. हम बहुत आराम से आया तो हम लोग शाम को लगभग 8-9 बजे का पहुंचते घर. हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग. तो कल हम लोग 9 पार होने के बाद पहुंचा था घर में. तो सब लोग सेफली पहुंच के अपना अपना घर. उसके बाद रात को बहुत लेट भी हो गया था और डिनर वनर करके फ्रेश अप करके और लेट हो गया. तो उसके बाद डायरेक्ट सो गया. तो रात को ऑटो वीडियो नहीं बना पाया. और सुबह भी अभी हम दिरांग में है फिलहाल, कुछ काम से आया था. तो सुबह भी घर में ऑटो वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला. तो इसलिए अभी थोड़ा सा फ्री है तो इसलिए सोचा अभी बना दो ऑटो वीडियो. और अगर आपने मेरे ये नामसाई सीरीज पूरा देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच. सो आई एल एंड माई नामसाई सीरीज हियर. सो आई होप यू लाइक दिस सीरीज दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल. सो यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बातें करके